हिंसा क्या होती है? किसी चीज को लड़ाई द्वारा प्राप्त करना। सिर्फ प्राप्त करने के लिए हिंसा होती है? घर में होने वाली हिंसा को क्या? पहले सिर्फ हिंसा पूछा। हाँ, तो पहले सिर्फ हिंसा की परिभाषा दो, घरेलू बाद में करेंगे। हिंसा बताओ क्या होती है बेटा? नहीं, हिंसा होती क्या है वो बताओ। कोई एक तो उन्होंने बताया किसी चीज को लड़ाई झगड़े द्वारा प्राप्त करना, और बताओ उसके कोई उदाहरण दो। चलो उदाहरण दो उससे प्रति उसके में। बैठ के बोलो, बैठ के। स्वतंत्रांति लड़ाई झगड़े के द्वारा ही प्राप्त, जिसके लिए अनेक क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और अंग्रेजों द्वारा भी हिंसा हुआ। और कम स्तर पे आ जाओ, ठीक है वो अलग बात है। हिंसा कहाँ कहाँ होती है? हाँ तो बताओ ना, कुछ उदाहरण बताओ। अच्छा वेरी गुड, एक काम करो। नहीं अच्छा, घर में ताने देते देखो। अरे छोटे छोटे उदाहरण नहीं दे रहे हो। घर में भाई बहन की मारपीट होती है कि नहीं? वो भी तो हिंसा हुई। रास्ते में कोई झगड़ा कर रहा है, वो भी तो हिंसा हुई। कुत्ते को मारा, वो भी हिंसा हुई। हुई ना हिंसा? चोरी चकारी करके किसी ने मर्डर कर दिया, वो भी हिंसा हो गई। रायट हो गए, वो भी हिंसा हो गई। वॉर हो गया, वो भी हिंसा हो गई, है ना? जंग छिड़ गई, वो भी हिंसा हो गई। तो मतलब हिंसा के कई कई उदाहरण हैं, ठीक है? और हिंसा, और फिर हम आए घरेलू हिंसा पे। अच्छा घरेलू हिंसा की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है? करोगे? हाँ एक्टिंग करोगे, मैं बताती हूँ। आप लोग कितने लोग हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग हो। तो आप तीन ग्रुप्स में बटो, ठीक है? हाँ तो रुको, चलो 1, 2, 3 बोलो और अपने नंबर याद रखने। चलो 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. अच्छा सब वन इधर, चलो सिर्फ जिस जिसने वन बोला था, अपने नंबर नहीं याद हो गए। टू कौन कौन थे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, टू इधर, थ्री उधर चले जाओ। अच्छा अब ऐसे करना है, थोड़ा सोचना है। पहले बैठ के ग्रुप एक गोला बनाओ, अपने 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 गोले बनाओ। अच्छा अब सबको थोड़ी देर के लिए चर्चा करनी है कि घरेलू हिंसा का कोई भी उदाहरण ले लो जो अभी आप समझते हो घरों में होनी चाहिए। घरेलू का मतलब घर में होनी चाहिए। किस तरह की हिंसा है? किसी ने मानसिक हिंसा कही, तरह तरह की हिंसाएं सब होता नहीं, हर एक में जरूरी मारपीट ही होती है, मानसिक हिंसा भी होती है। तो उसका एक उदाहरण लेकर उसको एक्ट करके दिखाना है। समझ गए? समझ में आया? हाँ अच्छा चलो करो। भाई बहन होती है कि जैसे कि भाई को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, बहन के लिए पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उसमें ये होता है कि अगर उसको भेजा भी जाता है तो उसे काम करवाया जाता है, इतना उसको ताने दिए जाते हैं। उसके बाद भाई को अच्छी एजुकेशन मिलती है और उसकी हर मतलब के लिए उसकी तो ये देखिए जैसे कि तुम भाई हो, हम इसको भेजते हैं स्कूल, इसको नहीं भेजते हैं तो कम से कहेंगे कि बेटी नहीं, तुम नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलोगे, वो लोग नहीं बोलोगे। तो ये लोग हम लोगों को मतलब कि बताएँ, थोड़े एजुकेटेड लोग हैं ये लोग, हम लोग अनएजुकेटेड हैं और हम लोग दोनों में मतलब फर्क करते हैं, इक्वल नहीं मानते दोनों। तो ये लोग हम लोगों को समझाएंगे कि बेटी बेटा ऐसा नहीं होता है, तो अगर उसकी आप बेटे की हर जरूरत पूरी करती तो बेटी की भी हर जरूरत पूरी करनी चाहिए। मगर हम तुम लोग इग्नोर कर देते हो, मगर इस बात को नहीं सुनते हो अच्छे से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आंटी ने बताया था हम लोगों को कि शादी होती है तो बेटा
मम डैड को अपने घर से निकाल देता है, मगर बेटी जो होती है वो अनएजुकेटेड होती है, उसके बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स की मतलब अपने पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझती है और वो अपने घर में उनको रखती है, बस इतना सीन कर बोलना कुछ नहीं है, एक्ट करना है। तुम तो बोलना, तुम बताना, ये पूछना कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हो उसमें, ये अपनी बेटी बेटे वे क्यों करते हो, उसको पढ़ने भेजते हो, उसको पढ़ने नहीं भेजते हो, मतलब किसी भी चीज़ में बोल देना, ठीक है? बोलना है बोलो, कुछ भी अपने आप ही सोच रहे ना हम लोग, यहाँ बत कर देंगे, ठीक है? कुछ बोल देना, जानते हो घर में ये धरा ना धरा बोल देना, तुम काम करो। इसको भी वही चीज मन करेगा, मगर ये नहीं मांग सकती क्योंकि डरती है हम लोगों से, हमसे तुमसे डरती है, मगर जो नेबर्स होते हैं इनको ये रियलाइज होता है कि हाँ ये गलत है, तो ये लोग हम लोगों को समझाते हैं, बस इतनी गलत है। अभी तक तुमने मेरी बाइक नहीं साफ की, क्यों? अभी तक मेरे जूते भी गंदे, छोड़ो मेरे क्या कर रही हो बेटा, पैसे लाओ। इतने सारे पैसे कहाँ से लाओ, अभी कल ही तो लिया था, इतने सारे पैसे कहाँ से मिलाओ? ये क्या पहनी हो, निकालो इसका। अभी कल ही तो मैंने ये लिया था, सारे पैसे आपने तो सारे उसमें लाओ, चलो दिन भर पैसे पैसे करती रहती है, क्या करती है दिन भर घर में, कुछ भी तो नहीं? दिन भर तो काम ही तो करते रहते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? ज्योति ये लो पैसे जो तुमने मुझे उधार दिए थे। पैसे? अभी पैसे मांगा तो पैसे नहीं है, कहाँ जाए पैसे? उसको मैंने उधार दिए थे। तुम मेरे लिए क्यों पैसे नहीं है, दूसरों को पैसे देती हो? बेटे को पढ़ाना और बेटी से काम, ये कहाँ का न्याय है? क्या आपको पता नहीं कि आज के समाज में बेटा बेटी एक समान है? सॉरी बेटी, शायद आपको पता नहीं या गैर कानूनी है, इसके लिए आपको सजा हो सकती है। यदि हम लोग FIR दर्ज कर दें तो आप लोग को जेल भी हो सकती है। सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगी बेटी, आज मेरे दोनों ये हुई ना बात। Mm-hmm.
प्रिया, ओ प्रिया, क्या है, कहाँ जा रही हो? पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ने वढ़ने नहीं जाना है, काम करो। प्रिया कहाँ है मालूम है? कहाँ नहीं, मुझे क्या मालूम, तुम्हारी बेटी तुम्हें मालूम होती है? अरे हमने उसे काम करने के लिए कहा, पता नहीं कहाँ चली गई है। संभालो अपनी बेटी को, तुम बहुत बोलती हो। मम्मा मैं स्कूल से आ गया। चलो बेटा खाना वाना रखा है। तुम कब स्कूल चली गई थी? तुम हर बार तुम लोग को बता के जाऊंगी। हे भगवान, तुम कब पढ़े पढ़े हो ना, नहीं कॉपी के साथ क्या रखे हो? जाओ, आज की बात नहीं, मैं तो रोज जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। और क्या चल रहा है? देखो ये पढ़ने जा रही है, इनको पढ़ने जाना है, घर के काम नहीं करेगी ये। क्यों, लड़कियों को खाली काम करने के लिए नहीं बनाया गया ना? अरे काम नहीं करेगी तो जाएंगे ससुराल में, फिर क्या करेंगी, वहाँ से शिकायत आएगी। जरूरी है क्यों, लड़की पढ़ नहीं सकती, ये लड़की का अधिकार है। आपने नहीं पढ़ाई था तो ये नहीं कि लड़कियों में ना पढ़े आपकी। और ये लड़की, लड़के और लड़की एक समान है, इनमें कोई रोक नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को बल्कि और उनको परवरिश करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और आप अपना नाम रोशन करें। अरे बेटी मुझे माफ कर दो, आज के बाद हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ लेना। क्या काम कर तू? अच्छा चलो अब देखते हैं कि इन्होंने घरेलू हिंसा, अब हम लोग घरेलू हिंसा की परिभाषा दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये उदाहरण है जो लोगों के घरों में होते हैं, होते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो पहला ग्रुप कौन सा था, हाथ ऊपर करो, इन्होंने क्या दिखाया था? वो शराब पिए हुए पेरेंट्स, एक एक करके। हाँ आंटी, वो शराब पिए हुए अपनी बीवी को मारते हैं, कहते हैं पैसे मुझे दो, मतलब पैसे मांगते शराब पीने के लिए अपने घर। तो शराब पीकर मारना, एक ये हुआ। और दूसरा ग्रुप, हाँ बता तुम लोगों ने क्या दिखाया? दूसरों को ये समझाया कि लड़का लड़की एक समान है, उनमें हम लोगों नहीं, पर हिंसा कैसे हो रही थी, पहले हिंसा की बात। हिंसा ये कि मतलब जब उससे क्वेश्चन किए जा रहे थे लड़की से, अगर वो उसका आंसर दे रही थी तो उसके पेरेंट्स उसको मार रहे थे। कि मतलब वो बोलना, ज्यादा ना बोलने पर मार पड़ना, उसको बोलते हैं हिंसा। तीसरा ग्रुप, आप लोगों ने क्या दिखाया? आंटी एक मतलब की लड़की और लड़के मतलब की दोनों को शिक्षा के लिए लड़के को ये लड़कियों को नहीं पढ़ाते, और उनको घर में काम कराते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो यही ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ अच्छा बताओ, इसके अलावा भी और कौन कौन सी हिंसा होती है जो घर में आप देखते हो? एक तो दारू पी के पापा लोग मम्मी को मारते हैं, दूसरा लड़कियों को मार पिटती है कि तुम काम नहीं करती हो, आवाज उठाती हो या पढ़ने की जिद करती हो तो उस पर मारपीट करना, और किस बारे में, और कब कब हिंसा होती है, और कोई दहेज के लिए, भ्रष्टाचार नहीं? हाँ दहेज के लिए क्या क्या मारपीट होती है? आंटी जैसे कि एक लेडी, जैसे कि गर्ल्स होती है अपने ससुराल जैसे सामान नहीं ले जा पाते, कोई मजबूरी होगी भाई, इनकेस वो पैसे वैसे नहीं होते आंटी, उसको दहेज जो दिया जाता नहीं होता, तो उसके हस्बैंड शादी तो कर लेता है फिर उसको ताने देता है बाद में, उसके साथ भी उसको ताने देती है, मारती पीटती है कि अब तुम जाओ ये अपने घर से ये लेकर आओ वो, आंटी सब पैसे नहीं तो कैसे देगी आंटी, क्या जला भी देते हैं, तो मर्डर, ताने देना, गाली गलौज करना, हाँ, और उसके दहेज के पीछे। और किस कारण पति लोग मारते हैं? एक तो पी कर मारना, लड़की अगर होती है तो लड़की पैदा करने पे मारपीट करना, मतलब और लड़की पैदा की उसने, और कौन कौन मारता है, कौन कौन था, सास पति सब लोग। अच्छा और किस बात के लिए मारपीट होती है घर में? जैसे अपनी इच्छाओं को, जैसे लड़की कोई है वो कहना चाह कह रही है कि मुझे पूरी करनी हो, तो पेरेंट्स उसको दबा देते हैं, उसकी बात इग्नोर कर नहीं सुनते। और माँ, माँ को किस किस बातों पे मार पीटती है? जब आंटी उसका हस्बैंड उनको मारता है, अगर वो उसके खिलाफ आवाज उठाती है तब, अगर उसके हाँ तो वो मारता किस लिए, पहले तो मारता ही है, पैसे नहीं तो आवाज उठाती है तो और मार पीटती है। हाँ अच्छा, और पैसे के मारे, और आंटी जो औरत है किसी दूसरे से अगर बात करती है घर के बाहर तो भी उसके मतलब किसी और आदमी के साथ या किसी और औरत किसी के साथ भी, आंटी आदमी के साथ भी और शायद बाहर जो औरत भी और दूसरे के साथ भी बात करती है, सोचती हूँ कि घर की बात ही दूसरे दूसरे कहती है। और एक माँ अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती है लेकिन अपने पति की वजह से अपनी बेटी को हौसला नहीं देती,
हौसला नहीं, और वो अगर करती है तो उसको मारता है। अच्छा, और भी कोई कैसी होती घरेलू हिंसा? हम लोगों ने एक और क्लास के साथ किया था तो उन्होंने एक और उदाहरण दिया था जो हमने सोचा ही नहीं था। घर में एक तो जब बेटी होती है तो लोग ताने मारते हैं, दूसरा जब बेटी होती है और बेटा होता है तो दोनों को एक जैसे नहीं, खाना पीना देते नहीं, 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 नहीं। किसको ज्यादा मिलता है? बेटे को। तो वो भी एक तरह की हिंसा ही हुई ना, है ना? वो गाली गलौज, उसको रोकना, बाहर जाने से मना करना, ये सब हिंसा कहलाते हैं। अच्छा बताओ, पत्नी पति को कब मारती है? अरे इसमें हंसती की, वो भी तो घरेलू हिंसा हुई ना, तो मारती है कि नहीं मारती है? पर कभी सुना नहीं, मैंने तो नहीं सुना, नहीं मारती। ऐसा क्यों? आंटी डरती हो, कहेगी सोचती हो कि पति मेरा परमेश्वर है। आंटी सोचती कि पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर, तो मुझे बताओ पति अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर इतना खराब है क्या? नहीं। तो फिर पति परमेश्वर, जो पति मारपीट करता रोज, उसको परमेश्वर कैसे का दर्जा कैसे दिया? ये सब की बोलते हैं लोग, परंपरा है। हाँ, और क्यों नहीं? मान लो एक हट्टी कट्टी औरत है, वो पिंगलू सा पति है, तारीफ दारू पी के आते हैं, मारता है, तो औरत उसको रोकती क्यों नहीं, मारती क्यों नहीं? नहीं, हस्बैंड है तो वो भी तो उसकी बीवी है। आंटी को डरती है कि बाहर लोग क्या क्या बातें बताएंगे। आंटी जो अगल बगल के मोहल्ले वाले वो लोग बहुत ज्यादा ही करने लगते हैं कि देखो उसके बारे में। अच्छा, तो जब पति पत्नी को मारता है तब अगल बगल वाले लोग कुछ नहीं कहते? नहीं आंटी, क्यों? बढ़ावा देते, मजा लेते। क्यों? क्योंकि आंटी हमारी सोसाइटी इतनी खराब। तो सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी क्या कहती है? आंटी सोसाइटी के नेता ही अच्छे नहीं है तो सोसाइटी तो गंदी होगी। उस चीज को सुधार लाने की चीज को साफ करने के बजाय वो लोग भड़का नहीं, तो सोसाइटी के नियमों के अनुरोध सोसाइटी के नियमों के अनुसार कि औरत को मारे तो कोई बात नहीं, बच्चों को मारे तो कोई बात नहीं, ये पति का अधिकार भी है और उसके पास वो पावर भी है। और औरत कभी पति को मार नहीं सकती, चाहे वो दारू पी के सारे घर के पैसे बर्बाद करता है, घर में बच्चे भूखे रहते हैं, उसे पैसे छीन के ले जाता है, तो भी उसको उसको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, मार नहीं सकती उसको। हालांकि पति वो काम भी करती है, बच्चों को खिलाती भी है, बाहर कमा कर भी लाती है, सारा काम करती है, तो भी पति को उसको मारने का अधिकार है, समाज इसको देता है। ठीक है, बच्ची पढ़ना चाहती है तो पढ़ना कोई बुरी बात है क्या? नो आंटी। लेकिन अगर बच्ची पढ़ने बाहर जाना चाहती है तो उसको मार पड़ती है। उससे बहुत ज्यादा मार लगती है। खाना, बच्ची भी वैसी है, उसके रगों में भी वही खून है, उसको भी उतना ही दर्द होता है, और लड़का भी वैसे ही है, लेकिन उसको ज्यादा खाने की क्यों जरूरत है, इसको क्यों कम? एक एक करके। हाँ, क्या? क्योंकि वो क्या समझता है? आंटी के जो वंश आगे बढ़ाएगा और जो लड़के हैं बाद में जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वही सहारा देते हैं। कभी नहीं देते, कभी नहीं देता आंटी। तो लड़की क्यों नहीं सहारा दे सकती? आंटी बेटी पराई होती ना इसलिए। नहीं तो पराई होती किसने कहा? आंटी कहावत है, कहावत है। क्यों पराई है? क्यों पराई है? क्योंकि दूसरे घर चली जाती है। तो ये दूसरे घर जाने वाला नियम किसने बनाया? बुजुर्गों ने, अमीर लोगों ने बनाया, है ना? कि ऐसा भी, ऐसे भी जगह है, केरला में है एक समाज जहाँ पर लड़का ब्याह कर लड़की के घर। वाओ आंटी, क्लैप फॉर ये। मिजोरम में वो है ना, ये किसी, ये कुदरती कुछ भी नहीं है इसमें, भगवान ने नहीं लिख के दिया कि लड़की को शादी करके। और देखो जब लड़की अपना घर छोड़कर, देखो इसमें कितनी कितनी बुराइयां हैं कि लड़की घर छोड़कर जाएगी, इस कारण कोई बच्चा लड़की चाहता ही नहीं। अब लड़की क्योंकि घर में छोड़कर जाएगी और क्या होता है? भ्रूण हत्या। और भी कौन सी एक बहुत बुरी, बहुत बड़ी बुराई है? आप लोगों ने कहा भी था कि लड़की क्योंकि उसको शादी करके किसी और के घर जाना है, साथ में क्या जाता है? दहेज। वो कितनी बड़ी बुराई है। इसीलिए लड़की को क्या समझते हैं? पराई। और बहुत बड़ा खर्चा, बोझ। और बोझ है तो बोझ के पीछे कौन पैसा खर्चे? पेरेंट्स। नहीं, क्यों उसको पढ़ाएं? पैसा जाएगा उसमें। हाँ।
और वो तुम्हारी प्ले में कहा ना कि अरे अगर अब यहाँ पे काम नहीं करोगी तो फिर ससुराल में क्या होगा, वहाँ भी तो जाके काम ही करना, तो इसका मतलब लड़की पैदा हुई है सिर्फ काम करने और पैसा वैसा नहीं देना उसको, राइट? तो ऐसा समाज, ऐसा समाज ठीक लगता है तुम सबको? और इसमें ये जैसे औरत को जैसे बाहर मान लो यहाँ पर इसने तुमको थप्पड़ मारा, तुम क्या करोगी? क्या करोगी? तुम भी मारोगी। तो घर में पति रोज मारता है पत्नी को, वो क्यों नहीं कभी लगा देती? एक रोकती भी नहीं, क्यों? क्यों? दया की बात नहीं है, क्यों? डर। कैसा डर? समाज से, क्योंकि बचपन से ही उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि पति का दर्जा, मर्द का दर्जा उससे ऊपर है और वो कुछ भी चाहे करे, जैसे उसकी संपत्ति है, वो उसके आगे कुछ बोल नहीं सकती, मना नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, अगर करेगी तो लोग कहेंगे कि बड़ी बुरी औरत है। पति रोज मारता है, गाली गलौज करता है, दारू पीता है, तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, गलत नहीं है कुछ, है ना? हमारा समाज क्या है? एक पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्ता यानी पिता या मर्द जब परिवार का मुखिया कहलाए, जब उसके पास सारी सत्ता हो, है ना, तो उसको कहते हैं एक पितृसत्तात्मक समाज। जब उसमें बना तो उसमें औरतों का दर्जा कम है, घर में बेटी का बेटे से दाम कम, पत्नी का पति से कम, बहन का भाई से कम, हर एक चीज में कम है। एक जमाना था जब औरतों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। अभी भी ऐसा है क्या? कानूनन नहीं है लेकिन मिलता अभी भी नहीं। कानूनन तो ये घरेलू हिंसा भी आपके आपके प्ले में आपने कहा था ना, ये एक अपराध है कि देखो अगर पति की आपके पिता ही मान लो बाहर जाके किसी को दारू पीकर मारे तो क्या होगा? किसी और मर्द को या किसी और की औरत को तो क्या होगा? उसका हस्बैंड उसको मारेगा, मारेगा और क्या करेगा? उनको जेल भी कर देगा, पुलिस के जाएगा, पूरा एक उसको अपराध मानते हैं, उसको उसकी पूरी लिखा पड़ी, उसके लिए पुलिस गिरी सब कुछ होता है। घर में वो रोज मारता है तो उसके लिए कोई पुलिस गिरी नहीं, वो अपराध क्यों नहीं समझता? सो कानून ने कहा कि देखो हिंसा चाहे बाहर हो चाहे घर में, बच्चों को मारना भी घरेलू हिंसा है, माता पिता मार नहीं सकते, वो भी एक अपराध है, उसके लिए भी जेल जा सकते हैं, प्यार से मार सकते हैं, प्यार से मार सकते हैं, प्यार से मार सकते हैं, लेकिन आप जैसे पहले होता था डंडों से इतना मारते थे। हम आपको एक बात बताएं, कहानी बताएं आपकी, आप जानते हो खुशबू दीदी को? उनके घर में उनके पिताजी ने बहुत मारा, क्यों? क्योंकि वो कह रही थी मैं पढ़ूंगी 10वीं के बाद, और वो कह रहे थे नहीं तुम शादी करो, और कहने लगे कि तुम बहुत जबान लड़ाती हो, तो उन्होंने वो रॉड नहीं होता वो वाला लेके खूब जोर जोर से मारा उसको, बहुत जोर से पीटा। और लक्ष्मी उनकी जो फ्रेंड है उसने आकर बुलाया, फ़ोन किया, तो हमने पुलिस को भी भेजा, चाइल्ड लाइन वाले लोग भी गए, हम लोग भी दूसरे दिन गए, तो उसकी माँ बहुत नाराज़ थी मुझसे, खुशबू से। तो मैंने कहा कहते कि इसने पुलिस कैसे बुला ली, तो मैंने कहा नहीं इसने नहीं बुलाई, हमने बुलाई थी। तो उसने कहा आप कौन होती हैं? मैंने कहा नहीं, अगर आप आपको मारेंगे तो आपका पड़ोसी भी बुला सकता है, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। जैसे अगर आपके घर में चोरी है तो ज़रूरी नहीं कि आप ही पुलिस को बुला सकते हैं, हम भी बुला सकते हैं। इसी तरह आपके घर में अगर हिंसा हो रही है, कोई भी किसी की हिंसा कर रहा है, तो हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं पुलिस को देखिए वहाँ जाके तहकीकात करिए, कुछ बुरा हो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। केरोसिन उसने रखी हुई थी कि मैं जलाऊं, और उनके दिमाग में क्या था, वो क्यों नाराज थी? कह रहे बेटी होकर पुलिस को बुला लिया, उसके दिमाग में क्या था, क्यों नाराज थी कि पुलिस को बुला लिया? वो तो मार रहा था ना, उसने सोचा घर का मामला है और पिता को बेटी पे पूरा अधिकार, चाहे वो मारे, चाहे वो जलाए, चाहे वो प्यार से रखे, चाहे कैसे रखे। ये क्या ये ठीक है? नो आंटी, ठीक नहीं है ना? क्यों ठीक नहीं है? एक तो इलीगल, तो इलीगल सरकार ने ये कानून बनाया ही क्यों, हालांकि इसको अभी कोई यूज नहीं करता, लेकिन ये कानून क्यों बनाया सरकार ने? आंटी किसी ना किसी को तो ये पता चलेगा, कोई ना कोई तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। हाँ बेटा, लेकिन किस क्या सोच क्या थी कि औरतों को भी जीने का अधिकार है, इज्जत से जीने का अधिकार है, औरतों का अपने जिस्म पे पूरा अधिकार है,
जैसे मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं तुमको थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि तुम्हारा जिस्म है और तुम्हारा अपना इज्जत है, क्यों मैं तुमको मारूं? चाहे तुम गलत भी करो, लेकिन मुझे तुमको मारने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको बहस करके समझा सकती हूँ, गाली देने का भी अधिकार नहीं है। गाली देने से भी आपकी तौहीन होती है कि नहीं, है ना? कुछ नहीं, क्योंकि आपके पूरे अधिकार हैं कि आप इज्जत से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, घर में भी और बाहर में भी। बाहर जाते हुए कोई भी सड़क जाते हुए आपको लगा सकता है थप्पड़? नो आंटी, नहीं कर सकता। क्यों? तो घर में कैसे मार सकते हैं? यही सोचा जाता है। एक तो घर का मामला, घर का मामला मतलब कि पिता को, पति को अपने पत्नी पे पूरा अधिकार है, चाहे वो मारे। और कई तो ऐसे भी होते हैं कि वो मार पीट करके जब कोई अंदर आके उसको बचाता है तो उसी को डांटने लग जाती है। क्योंकि क्योंकि उनके दिमाग में भी यही एक पुरानी धारणा है कि मैं अपने पति की संपत्ति हूँ, मुझे चाहे वो कुछ करे, मुझे ये सब सहना ही होगा, मेरी किस्मत ही फूटी है। और वो क्या देखते हैं कि हर एक के घरों में होता है ऐसे, तो ये कोई नई बात है ही नहीं। तो इसको सब एक हमें कहानी सुनाए। यह कनार का गांव था, तो हम वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तो एक आदमी मुझे दिखा रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपके गांव में औरतों को मारते हैं? तो वो कहता नहीं नहीं बहन जी, क्या बात कर रही, हम लोग तो नहीं मारते। मैंने कहा तो आप अपने पति को फिर पत्नी को नहीं मारते? कहते नहीं, उसको तो मारते हैं। मैंने कहा क्यों मारते हैं? तो कहता है कि अरे मैं घर आऊँ, उसने गैया को चारा नहीं दिया, पड़ोसनों से बात कर रही है, तो जमा देता हूँ एक दो। तो मैंने कहा और वो आपको कब मारती है? अरे अरे बहन जी क्या बात कर, जैसे तुम लोग नहीं हंस रहे थे। तो मैंने कहा कभी ऐसे सुना पत्नी भी पति को मारते? सबकी की हंसी निकलने लगी। मतलब कि हमारे दिमाग में हम लोग सोचना ही दूर रहता है कि कभी भी औरत अपने पति पर हाथ उठा सकती है। हालांकि पति रोज उठाता है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कहता, ना समाज कहता है, ना घर वाले कहते हैं, बल्कि अगर औरत उसके आगे रुकती है तो। अब इसी तरह जैसे इस लड़की ने, जवान कौन सी लड़की थी बनी थी, मैं पढ़ूंगी कौन था, हाँ, तो उसको सब लोग क्या कहते, यही जैसे खुशबू क्या कहते कि इतनी बदतमीज, माँ बाप की इज्जत करनी नहीं आती, माँ बाप के आगे जबान लड़ाती है, बिल्कुल इतनी जब जबान चलाती है, इसको तो मारो, और बिल्कुल तमीज नहीं है इसको, पिता माँ बाप की इज्जत करनी नहीं आती, ऐसे कहेंगे, है ना? तो ये नहीं, माँ बाप को ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम क्यों इसको हर एक बात पे रोकते हो, तुम क्यों इसको कहते हो कि बस काम ही करती रहे, उसको पढ़ाने क्यों नहीं भेजते हो, उसकी ज़िंदगी के बारे में तुम क्यों नहीं सोचते हो, कोई कहता नहीं, है ना? तो जब समाज ही इस तरह बना है तो सबकी मानसिकता उसी में ढल गई। तुम लोग की ढली नहीं, और इसीलिए पड़ोस में कोई पिटती है कोई नहीं जाना जाता बचा। अब यहाँ पे जब खुशबू को मारपीट हो रही थी, क्योंकि लक्ष्मी उसकी बहुत अच्छी सहेली थी और क्योंकि हमारा प्रेरणा इतना इसमें सशक्त रहता है, तो उसने तुरंत फ़ोन कर दिया और सब लड़कियों से जब बात हुई, उन्होंने कहा आंटी ऐसे तो रोज़ होता है, अगर हम ऐसे हमारे स्कूल में ऐसे नहीं होता तो शायद कोई किसी को पता भी ना चलता, मार भी डालते तो नहीं पता चलता, है ना? तो समाज को नहीं होना चाहिए थोड़ा सशक्त? सबसे पहले इसमें आवाज़ किसको उठानी चाहिए? जिसके जैसे औरत है कि अच्छा चलो वो तो एक तो पिया हुआ है, पिया हुआ वैसे भी किसी को समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, एक जमा दोगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा। हम नहीं कह रहे कि हिंसा को हिंसा से रोको, आप हाथ तो पकड़ सकते हो, रोक तो सकते हो, कह सकते हो नहीं मैं तुम्हारी मार नहीं सहूंगी, बंद करो ये सब। और फिर होता क्या है, लड़का भी छोटा होता है रोज देखता है, उसको गुस्सा तो चढ़ता है कि मेरी माँ को मार रहा है, लेकिन बड़े होकर वो क्या करता है, वो भी अपनी बीवी को मारता है, क्योंकि उसको लगता है ये तो ठीक ही है कि पिताजी रोज करते हैं तो इसमें कुछ ठीक ही होगा, उसमें बताया नहीं तुमने कि वो लड़का भी पी रहा, तुम क्या कर रहे हो वो भी, है ना? तो इसका मतलब कि समाज को पहले तो ये समझना कि ये जो घरों में होता है हिंसा होती है वो क्या है, गलत, केवल गलत, पहले तो एक नैतिक रूप से गलत। क्यों क्यों गलत? क्योंकि सभी को हिंसा पहले गलत चीज होती, पहले तो हिंसा ही गलत, फिर अब जिसके जो आपके अधीन है, जो आप पे डिपेंड करता है। हम लोग वैसे तो पिता को कहते मुखिया, कहते ना, तो मुखिया का क्या रोल होना चाहिए, मारे नहीं, क्या संभाले, रक्षा करे,
पूरी तरह से परवरिश करे, तो ये अच्छी परवरिश है, दे धनाधन, है ना। तो फिर एक तो पहले ये समझना कि हिंसा गलत है, घर में किसी का अधिकार नहीं है किसी के ऊपर हिंसा करने का, नैतिक रूप से और कानूनन भी। कानूनन भी सरकार ने इस हमारे संविधान में लिखा है कि मजहब कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, हम सब बराबर बराबर। तो जब बराबर हैं तो फिर किसी को ये अधिकार नहीं होता कि आपके ऊपर आपको दबाएं, आपको मारे पीटें, आपके साथ किसी भी तरह की हिंसा करें। इसीलिए कानून ने, फिर सरकार ने कानून बना दिया कि ऐसे अगर कोई करता है वो रक्षा के लिए, वो सुरक्षा के लिए, कि जो लोग कमज़ोर हैं, हालांकि औरतें पुरुषों से कमज़ोर नहीं हैं। औरतें 9 महीने पेट में बच्चा रखती हैं किसी मर्द को कहो, और उसके बाद बच्चा पैदा करने में बहुत तकलीफ होती है, सहती हैं, और फिर खाना वाना अगले ही दिन शुरू हो गए, सब कुछ सबको संभालती भी हैं। तो कमज़ोर तो कहीं की भी नहीं है, उनको मानसिक रूप से दबाकर कमज़ोर कर दिया है कि आप कुछ ना करो, कि आप कुछ कर ना सको। जबान भी हमारी बंद कर दी, आवाज़ उठाई तो लगा दिए 2-3। अब किसको मारपीट खाने का किसी का मन नहीं करता, दर्द होती है तो हम लोग कहते चलो चुप रहो, वो चुप रहते 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 फिर क्या हो जाती है, आदत बन जाती है, अपने को दबाने की आदत बन जाती है। ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो इसको बेटा बगैर हिंसा के कैसे रोका जाए, बताओ। गांधी जी ने सबक सिखाया था ना, हिंसा का ऑपोजिट क्या है, अहिंसा। हम नहीं कहते, देखिए अगर सब लोग हिंसा करेंगे तो हिंसा बढ़ेगी, तो हिंसा को कैसे रोको ये थोड़ा सोचना है, है ना। अच्छा, अपने अपने ग्रुप में वापस जाओ अब, और थोड़ी चर्चा करके, अभी ड्रामा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये जो घरेलू हिंसा का प्रॉब्लम है इसको कैसे रोकें। आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, किसको क्या करना चाहिए कि घरेलू हिंसा रुके। अपने ग्रुप्स में बैठ जाओ, गोल चक्कर बनाओ अलग। लड़कियों और महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हिंसा कम हो सके। किसी के बात से पड़ोसड़े भरते उनकी बात ना माने, बात कर जाएगी तो इसकी वजह से अपनी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, सबको बताए ताकि उसका जो मतलब कि सदियों से चलता आ रहा है, जो मतलब कि रोज चलते आ रहा है, नियम से नियम कोई लागू नहीं कर रहा है, लेकिन कोई उसको कर ही नहीं रहा है, पुराने गलत नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाए। कानून बने भी हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए, उन कानून के पहले बारे में पहले जाने, उसके बाद में उसको उपयोग करना चाहिए। जैसे किसी घर में हिंसा हो रही है, अगर हम लोग उसके घर में समझाने जाते हैं तो उसके फैमिली मेम्बर्स यही कहते हैं कि आप लोग कौन होते हैं हमें समझाने, वो लोग हम लोगों को ये नहीं समझते कि जैसे कि कोई अनएजुकेटेड है उसको समझाना तो बहुत ही मुश्किल है, अगर कोई एजुकेटेड है तो उसको तो थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाता है, लेकिन अगर हम लोग कहीं जाते भी हैं तो वो हम ही लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, आखिरी में हम ही लोग को झुकना पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोगों को बहुत बुरी लग जाती है। अच्छा, और बताओ तो इसका फिर बेटा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये आंटी, उनके पीछे पड़ जाना चाहिए, उनको बार बार कहना चाहिए, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही शायद। अच्छा, और कोई और आंटी, मैं बोलता हूँ हिंसा तो नहीं जा सकती कभी, क्यों आंटी, समझेगा ही नहीं इंसान आंटी। नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, जा नहीं सकती पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन आप उसको कम तो कर सकते हो। सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है आंटी, क्यों पढ़ने से क्या होगा, अपने अधिकारों को समझना, ये समझना कि हम बराबर हैं, हमारा अपने ऊपर पूरा अधिकार है, और किसी को ये अधिकार नहीं कि वो हमको मारे पीटे गाली, ये सब गलत हो रहा है। पहले तो ये समझना, चुपके से सिसकियां लेना नहीं, बल्कि समझना कि ये गलत है, सबसे पहली बात तो वो है। जब आप समझ जाते हो फिर क्या करोगे, तो मतलब शिक्षित होना, और पर शिक्षा ऐसी जो आपको ये चीज़ समझाए। अच्छा,
उस शिक्षा को औरों को भी फैलाना, मतलब इस बातें में, इस बारे में चर्चा होती रहना घर में भी। अगर पापा मम्मी को मार रहे हैं तो कभी उनको, मम्मी को समझाना कि मम्मी आप सहती क्यों हो, रोकती क्यों नहीं हो, समझाती क्यों नहीं हो उनको, मना क्यों नहीं करती हो, मना क्यों नहीं करती हो, तो वो क्या जवाब देंगे? हम लोग को डांटने लगे, आपको डांटने लगे, क्या बोलेंगी? आंटी मारते नहीं बोलेंगी, तुम बीच में मत बोलो। हाँ नहीं आंटी, आप मारते नहीं है बेटा, तुम इन सब चीजों से दूरी रहो, नहीं डांटने का नहीं है, अच्छा फिर क्या इसका जवाब क्या होना चाहिए कि चलो हम एक इसका करते हैं इम्प्रोवाइज, तुम बनो मम्मी, मम्मी जो मार खा रही है, इधर से कौन बनेगा? पापा बनेंगे आंटी। नहीं पापा नहीं, तुम बनो बेटी जो समझा रही है, कौन समझाने वाली बेटी बनेगा? अच्छा तुम समझाओ, माँ को बोलो, चलो बोलो बोलो ये माँ, तुम बोलो ना मम्मी पापा को रोकती क्यों नहीं हो, मम्मी पापा को रोकती क्यों नहीं हो आंटी? क्या करे बेटा, वे समझते ही नहीं इस बात को। पहले तो वो कहेगी ना कि तुम बीच में बोली क्यों रही हो, जैसे नॉर्मली घरों में होता है, अभी तुम बोलती नहीं, वो सब बताओ ना। हाँ करो चलो, चलो। माँ आप पापा की मार को इतना सहती ही क्यों है, आप उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? माँ बेटा तुम मत बोला करो इन सब चीजों में। माँ मेरा भी पूरा बराबर का अधिकार है आप पर और पापा पर। मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा ना, हाँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि माँ इसका जवाब क्या दे। चलो मैं बनती हूँ, चलो बोलो। माँ तुम मार क्यों खाती? माँ आप पापा की मार को इतना सहती क्यों है? बेटा पहले तुम इस बात में मत पड़ो, तुम क्यों पढ़ती हो बेकार में, तुम्हारी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे सुनेंगे कि तुम इस बारे में इतनी जोर जोर से बोल रही हो, तुम इस बात में मत पड़ो। लोग क्या कहेंगे, जब आप पिटती हैं तब तो लोग कुछ नहीं समझाते, पापा को कुछ नहीं कहते, अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी तब लोग क्यों कहेंगे कुछ, उनका कोई अधिकार नहीं है। बेटा कहते हैं, समाज ही ऐसे बना है कि बल्कि मुझे को बुरा कहेंगे, गलती मुझे पता है पापा की है, मैंने दारू पीती वो पीते हैं, पीटने वो आते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तब भी मुझे को बुरा कहेंगे अगर मैंने उनको रोकने की कोशिश की या उनके जोर जोर से उनको किसी और को बुलाया, कहेंगे घर की बात घर में क्यों ना रखें। समाज, शायद समाज ही सबसे बड़ी इसकी त्रासदी है जिसके कारण हमारे समाज में इतनी हिंसा हो रही है। और बेटा समाज को लेकिन कैसे बदला जाए, क्या करें, क्या करें तुम बताओ क्या करें? इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही चाहिए। तो कैसे आवाज उठाएं? अगर हम सब एक साथ होकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़े तो शायद हम अहिंसा को हिंसा में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। अच्छा देखो इसमें बेटा दो तीन बातें इसने कही, क्या कही? एक तो संदे जब वो कह रही थी कि समाज को समाज क्या के लोग क्या कहेंगे, तो इसने क्या कहा, समाज जब मारता है तब क्यों नहीं आते, और ये सोचना बड़ी, हम लोग सब समाज से डरते हैं, हालांकि समाज तो बिल्कुल तमाशा ही देखता है, कभी आपकी हेल्प की कभी नहीं, नहीं राइट, तो उसको नजरअंदाज करो। दूसरा इसने कहा कि मिलकर अगर करेंगे, तो अगर किसी घर में पिटाई हो रही है, चलो एक को डर लगता है, मिलकर चार पांच लोग चले जाए ना, और एक कहीं किया था थाली पीटने लगे, ये जैसे कि घर के किसी पड़ोसन ने थाली पीटी, सबको पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, जोर जोर से दूसरे ने भी पीटी, तीसरे ने भी, तो सबने एक दूसरे को इकट्ठे करके सब सारी महिलाएं उस आदमी के घर गईं और दरवाज़ा पीटा, बोलो और इतनी लोगों ने उसका हाथ रोक लिया, उसको बांध दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वो उसको मारने नहीं दिया और कहा पुलिस ले आएंगे। मैं बताऊँ थोड़ा सा अगर डरा दोगे ना, सिर्फ डरा दोगे और लोग मिल जाएं, लेकिन ये मिलाना ही मुश्किल है क्योंकि सब लोग डर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आपकी पीढ़ी है, आपको नहीं डरना चाहिए, और जब आप कुछ किसी चीज को बदलने निकलते हो तो आपको लोग अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा ही कहेंगे, लेकिन अगर आपके मन में पूरा विश्वास है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको उस बुरा कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर आप लोग एक साथ हो तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत मिलता है। आपको मालूम है हमारी वीरांगना ग्रुप ने पूरा वो रैली निकाली थी, आप लोग भी निकालो, उन्होंने घर घर जाके लोगों को समझाया था, उनके सिग्नेचर दिलवाए थे कि मैं अभी किसी को मारूंगा नहीं, पतियों से और पत्नियों से कि मैं सहूंगी नहीं,
आवाज उठाऊंगी। और इसी तरह जैसे उस लड़की ने उठाई, कहाँ गई पढ़ने वाली, हाँ, तो इसी तरह जिद करते रहना चाहिए, नहीं मुझे पढ़ना है और क्यों ना पढ़ूं। और उनके पूरे जो वो कहने कहेंगे, नहीं तुम लड़की, तुमको ससुराल जाना, तो कहते नहीं जाना मुझे ससुराल, और पढ़ लिख के क्यों नहीं मैं जा सकती, ससुराल जाने में क्या है, मैं काम भी कर सकती हूँ, वो भी करे मैं भी करूँ। तो थोड़ी लोगों की मानसिकता बदलने की कोशिश, पहले तो अपनी बदलो, फिर अपने घर में बदलने की कोशिश करो, फिर पड़ोस में बदलने की कोशिश करो। कानून बना है तो उसका नहीं, उसका सहारा लो। उसमें भी पुलिस के बाद चले जाओ तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरे घर का मामला घर में सुलटाओ, तो उनको समझाने की जरूरत है कि जी नहीं, कानून ये कहता है कि किसी का घर का मामला नहीं, कानून का मामला, आप आए चलिए। संस्थाएं बनी हैं, उनका सहारा लो। लेकिन सबसे पहले ये समझना कि ये बहुत गलत हो रहा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। रेप हो रहे हैं सब जगह, घरों में होते हैं बेटा, घरों में भी होते हैं, छेड़छाड़ होती है, रेप होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? घर की इज्जत। तो कैसी इज्जत, जब अपने घर वालों की इज्जत नहीं की तो फिर कैसे घर की इज्जत। और जो चीज़ खुलासी हो जाती है तो उसमें शायद कम डेंजर होता है, जब किसी चीज़ को ढक कर बंद करते रहो तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो पहले तो लड़कियों को ही ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, और ज़रूरी नहीं कि चीख चीख के उठाओ, धीरे धीरे हर एक बात में बहस से समझा कर, और दूसरा एक साथ मिलकर इसका एक्शन लो। मम्मी का दिमाग, उनका सहारा बनो, उनका घर में अगर देख रहे हो कि दीदी की शादी करने जा रहे हैं 14-15 साल में, कानून क्या कहता है 18 साल से कम नहीं, और उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं, तो बहस करनी चाहिए घर में, कहना चाहिए नहीं आप ऐसे मत करो, स्कूल में आके बताओ हम लोग रोकेंगे, संस्था हो उसको बताओ। घर वालों से इतना डरते रहोगे तो क्या होगा, चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी, पिटते रहोगे बड़े रहोगे हो जाओगे तो तुम भी पिटोगे, है ना। और अगर उसका विरोध करोगे तो फिर कुछ आशा है कि ये चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग, इसीलिए स्कूल में हम लोग ये चर्चाएं कराते हैं कि आप लोग इसके बारे में सोचो। हा? और भी किसी ने कोई सोल्यूशन ढूंढा और किसी ग्रुप में? हाँ बेटा, आपने भी बताया कि पुलिस के पास जाना चाहिए आंटी, पर अगर पुलिस को कॉल करो तो पुलिस आती नहीं है, मालूम है आती नहीं है, इसलिए संस्था को फिर कहना चाहिए कि पुलिस नहीं आई, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। बेटा हम बता देंगे, इधर की संस्था तो हम बता ही देंगे, सुरक्षा है, हम लोग को फोन करो। उसको पुलिस में अगर नाम दे दो मर्जी के, वो भी आप पुलिस में इसकी रिपोर्ट, और एक संस्था का मैं नाम दूंगी, उसका नाम सुरक्षा है, उसको फोन करोगे तो फिर वो एक्शन लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो एक साथ मिलकर पहले तो अपना दिमाग पक्का करो, अपने को समझाओ, अपने को समझो और अपना मजबूती पाओ, फिर एक दूसरे से बात करो, उससे बहुत मजबूती आती है। मम्मी को भी समझाओ, उनको भी मजबूती आएगी। अपने भाई को समझाओ, उसके साथ बहस करो, छोटा भाई है तो उसको बहुत सिखाओ ताकि बड़े होकर वो भी सहारा बने, वो भी इस तरह राक्षस ना बने। पिता को भी जब पिए हुए नहीं है तो उनको भी समझाओ, वो कहेंगे प्रेरणा जाना ही बंद कर दो, है ना। लेकिन नहीं, पढ़े लिखे होने का मतलब है कि हम अपने अधिकारों को भी समझें, ठीक है। अच्छा, अब एक होमवर्क है कि आपको घर में जो हम लोगों ने ये चर्चा की है वो चर्चा घर में करनी है, ठीक है, कि घरेलू हिंसा क्या है, क्यों होती है, सिर्फ मर्द ही क्यों मारते हैं, औरतों को मारना चाहिए नहीं, मारना नहीं चाहिए, हाँ, और ऐसे क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाए, करोगी, ठीक है। फिर उसके बाद आके आपस में बात करनी है कि किसने क्या कहा, थोड़ा सा लिख लेना और मुझे दिखाना, ठीक है।